डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं जी सब? ठीक है। हमारे पास आज है जी जर्नी टू मोस्ट डेंजरस रेल ट्रैक ऑन अर्थ। ओके, अर्थ पे ये सबसे डेंजरस यस, और उसकी जर्नी होगी भाई आज। ओके तो जी ट्रैक यस, देखते हैं फिर स्टार्ट करें। जी कैसे हैं आप सभी? सो आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज को। पम्बन ब्रिज जो कि इंडिया की पहली सी ब्रिज है, मतलब समंदर पे बना ब्रिज। इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1914 और पहले इस पे मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, और अभी फिलहाल इस पे ब्रॉड गेज की ट्रेन चलती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 2.3 किलोमीटर लंबा है और इसे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रेलवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ ये ब्रिज है। और आज हम लोग ट्रेन नंबर 08495 रामेश्वरम भुवनेश्वर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से पम्बन ब्रिज को कवर करने वाले हैं। अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं, मेरे पीछे आप ट्रेन देख सकते हैं, अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन सिर्फ संडे को 8:50 पे रामेश्वरम से निकलती है और आपको दूसरे दिन शाम 6:10 में भुवनेश्वर पहुंचाती है। और हाँ जी, कल इवनिंग में भी मैं गया था पम्बन ब्रिज आप सभी के लिए एक यूनिक सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए, और वो बन चुका है ऑलरेडी, तो उस क्लिप को मैं इसी जर्नी में ऐड करूंगा। बिल्कुल यूनिक है, तो कंटेंट को शेयर जरूर कीजिए। तो अपनी यादगार जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, अपनी गाड़ी रामेश्वरम से निकल चुकी है। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल करीब आ चुके हैं पम्बन ब्रिज के, और ट्रेन की रफ्तार 8:10 पे फिक्स कर दी गई है। कोई भी ट्रेन इस पे इसी स्पीड से क्रॉस करती है, और बस वो घड़ी आ गई है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। तैयार हो जाइए।
आज ट्रेन चलती है। किसी को बताना कि भाई इंडिया के में समंदर में ट्रेन भी चलती है। तो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट रामनाथपुरम, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और कैसी लगी आप सभी को पंबन ब्रिज? हर रेल फैन का ना एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है पंबन ब्रिज को कवर करना, और वो फाइनली हमने कर लिया। मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ वो मैं ही समझ सकता हूँ, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन मज़ा आ गया यार, मत पूछो। बात सो गाइस, तो इस जर्नी में भी चाहने वाले मिले हैं अपने सब्सक्राइबर। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तरुण जैन है। कहाँ से आप? मैं रहता तो बैंगलोर में हूँ। अच्छा। और यहाँ ट्रैवलिंग कर रहा हूँ रामेश्वरम फैमिली के साथ। अच्छा। तो बैक टू बैंगलोर जा रहा हूँ, क्रिसमस छुट्टी था तो फैमिली का थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो गया। वीडियो कैसा लगता है? वीडियो बहुत बढ़िया लगता है इनका, मैं हर एक ब्लॉग्स देखा है। अभी रिसेंटली कोविड में मैंने पूरा जानकारी दिया कि ट्रेन सारी की ट्रेन नहीं आ रहे हैं। अभी हुआ क्या कि हम बैठे हुए थे इन्हीं के बर्थ के बगल में, मेरा बर्थ है, लेकिन बहुत ऐसे ये देख रहे थे, जज कर रहे थे, और अभी आगे पूछे आप मोनू है क्या? आप बोलते कि चलो मोनू भैया मिलते हैं, बहुत कम है, जर्नी करते रहता, मुलाकात होती रही है, आज मुलाकात भी हो गई तो चलो मिल लेते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिल के अच्छा लगा। खाएगा ना, दीजिए ना, एक और दे दीजिए, लो लो ले लो बाबू, ले लो, दे रहे हैं, ले लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, खाता नहीं रख लीजिए, देखिए चेंज है या नहीं। नॉर्मल, ओके ठीक ठीक सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं मन मदुरई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MNM, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग पहुँचे यहाँ बिल्कुल टाइम से। मन मदुरई जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था 1902 में, फिर इसे रिबिल्ट किया गया 2007 में, और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जारी है, अभी हुआ नहीं, अंडर प्रोसेस में है। 5 मिनट का हॉल्ट है, मुझे तो कुछ खाना था, सोचे कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन बहुत आगे जाना पड़ेगा, देखते हैं अगर ट्रेन में फिर पेंट्री कुछ तो है ही, वहीं से लेंगे खाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है भाई, ज़रूर।
फिर मिलेंगे बेंगलोर में। ठीक है ठीक है ठीक बाय 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 छोटू बाय बाय करो बाय 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 करो छोटू बाय। हाँ वो है लगेज रखा हुआ है। ठीक है हम यहीं पे रहेंगे, कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुंचा दीजिए। ठीक है जी, तो अपना लंच आ गया और हमने ऑर्डर किया था वेज राइस जो मुझे पड़ा 90 का। अगर आप चिकन राइस लीजिएगा तो वो पड़ेगा 140 का और एक राइस पड़ेगा 120 का। राइस और ये सब्जी में आपको सोयाबीन का सब्जी है और ये पिकल रुचि का पिकल है। तो टेस्ट करते हैं उसके बाद बताते हैं कि खाने लायक है या नहीं। तो गाइस अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, खा सकते हैं आप। नहीं वैसे देखा जाए तो इंडिया के स्टेशनों का खाना ठीक है। अरे हाँ भैया ये तो बताइए कि आपको कैसी लगी ये पम्बन ब्रिज की जर्नी। इसी तरह मजेदार जर्नी देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें। हमारे इधर ये होता है कि ट्रेन के अंदर जो खाना होता है ना वो बहुत ही नाकस होता है। मतलब चाय पी लो तो ऐसे है कि पता नहीं गर्म पानी पी रहे हो और दूध इतना पानी, तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता ट्रेन के अंदर। होता इवन के स्टेशन के ऊपर भी चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो भी स्टेशन जो अच्छे वाले स्टेशन जैसे लाहौर हां वहां पर ठीक होती हैं खाने वाले इन पे। वहां पे तो आपको ब्रांड वो दूसरे भी मिल जाती है ना, मतलब KFC वगैरह मैकडोनल्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है लोकल जो स्टेशन होते हैं वहां पे तो चीजें नहीं हमारी इधर ट्रेन के अंदर से नहीं चीज नहीं। इंडिया की जो बाहर ट्रेन से आपको अच्छी खाने मिलती है, हां इंडिया के साथ आपको खाना भी मिलता है सारा कुछ। हां इंडिया की जो ट्रेन है उनके अंदर अच्छा खाना। तो ये थी जी जर्नी और स्पेशली ब्रिज की बात करते हैं जो कि है जी सी के ऊपर। फर्स्ट टाइम देखा है कि समुंदर में भाई ट्रेन भी चलती है, मजा आ गया। अच्छा ये ट्रैक काफी पुराना ट्रैक है ना, पहले का बना हुआ है लेकिन हमने पहली दफा देखा है। हमने पहली दफा देखा, हमारी आंख से ओझल कैसे रह गया, ओझल रह गया बस नहीं रहा ना। आज वो भी देख ही लिया, अक्सर ने भी देखा, फर्स्ट टाइम देख लिया, फर्स्ट टाइम नहीं देखा अभी। तो चलें गाइस, वैसे ये जरा बताइएगा कि जब समुंदर में थोड़ी हलचल होती है तो तब क्या ये पानी के अंदर आ जाता है या ऊपर ही यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, ये कमेंट में जरा बताइएगा।